औरंगाबाद सर्व शिक्षा अभियान के DPO मिथिलेश कुमार सिंह की दबंगई उस वक्त देखने को मिली जब बकाया वेतन की गुहार लगा रहे एक शिक्षक पर अचानक स्थापना DPO भड़क गए और शिक्षक की पिटाई कर डाली। इतना ही नहीं, गुस्साए DPO ने शिक्षक को छत से नीचे फेंक दिया जिससे शिक्षक का पैर टूट गया। गंभीर रूप से घायल शिक्षक को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि घायल शिक्षक सुधीर सिंह मदनपुर थाना के धोबडीहा गांव का रहने वाला है। शिक्षक वर्तमान में प्रखंड के नीमा मिडिल स्कूल में कार्यरत है। वहीं घायल शिक्षक ने बताया कि DPO से उन्होंने बकाया वेतन के भुगतान को लेकर जब बात की तो उन्होंने भुगतान के एवज में पैसों की मांग की, जिस पर थोड़ी बहस हुई। इस बीच DPO ने कार्यालय कर्मियों के साथ मिलकर पहली मंजिल से उसे नीचे फेंक दिया और उन लोग मारपीट मेरे गले में लगा दिया भारतीय गमछा पकड़ कर खींचने लगा। और इसी बीच हम मारपीट करते करते गेट से हम बाहर आए। बाहर भी उनके कुछ ऑफिस से कर्मचारी थे और उन्होंने कहा कि जान मार दो उसको। उनके कर्मचारी लग गया मेरे, हमको मारने लगे। मारते हुए रेलिंग तक लगा, रेलिंग से नीचे धक्का दे दिए। और उस भीड़ में मैं ये नहीं देख सका सर कि मतलब जो धक्का हमको दिए सर, उसमें मिथिलेश सिंह हमको बाहर तक धक्का देते हुए लाए और उसके बाद वो जो है भारती, उन्होंने भी हमको धक्का दिया और हम सब नीचे गिर गए। और नीचे गिरने के बाद मेरा सर कमर टूट गया है, अभी एकदम कमर नहीं लग रहा है। एक पूरा षड्यंत्र सर, और दलाल जितने भी शिक्षक दलाल है 3 महीने से 4 महीने से सर एरियर को लेकर दलाली के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। और पूरी प्लानिंग के साथ सर इसका पूरा पेपर में सैकड़ों बार आया है अखबारों में, एरियर में। अभी भी ये बोले कि फिर एरियर करवाऊंगा और एरियर में तुम लोग एको का पेमेंट नहीं करूंगा, जो तुम लोग अभी कह रहे हो फिक्स चला सब एरियर होगा और एरियर में तुम लोग का पैसा लूंगा तभी तुम लोग का पेमेंट होगा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही शिक्षक संघ से जुड़े पदाधिकारियों के साथ ही स्थानीय सांसद सुशील कुमार सिंह भी शिक्षक का हाल जानने सदर अस्पताल पहुँचे और उन्होंने घटना की कड़ी निंदा की। ये मांग करते हैं कि जिस तरह से आम आदमी पर कोई कानून लागू होता है, आम आदमी पर किसी तरह का मुकदमा होने पर त्वरित गिरफ्तारी होती है, उसी तरह से जब संविधान एक है, कानून एक है, तो जिस अधिकारी ने भी शिक्षक सुधीर कुमार के साथ इस तरह का बर्ताव किया है, उनकी जान जाते जाते बची है, उनके साथ भी उसी तरह का व्यवहार हो और जो इनके बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हो, समीचीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और उसके ऊपर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो शिक्षक संघ तो विरोध कर ही रहा है। उन लोगों ने अभी कहा है कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम उनके साथ हैं और हम भी उनके धरना प्रदर्शन में उनके साथ होंगे। शिक्षक सुधीर कुमार को हम न्याय दिला कर रहेंगे। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो हम विरोध अहिंसात्मक तरीके से, चाहे आमरण अनशन पर बैठना हो, जो करना हो हम करेंगे और इनको हम न्याय दिला कर रहेंगे। गौरतलब है कि अपने पदस्थापना काल से ही DPO मिथिलेश सिंह किसी न किसी बात को लेकर हमेशा विवादों से घिरे रहे हैं और उन पर अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाने का आरोप भी लगता रहा है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि इस तरह के भ्रष्ट और दबंग प्रवृत्ति के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। पंजाब केसरी TV के लिए औरंगाबाद से प्रियदर्शी की रिपोर्ट।